भाई फौजी देख के चलना। ये तो प्योर पत्थर कोई बनो रे की तो भाई आगे कुछ खतरनाक भी कहीं। चलो फौजी फौजी अरे ये तो कहीं टूटना होगा टूटूगा। और ये बड़ा महल है जो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। यहाँ पे बहुत देखिए उधर साइड को भी बहुत हैं। आज यहीं रहे हैं यहीं रहे चलो उतर लो। ऊंचाई देखिए ये 3 मंजिल तो सिर्फ गेट ऊंचा ही है। इतना ऊंचा गेट है कैसे आक्रमण करेंगे विदेशी। वैसे इनमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता होगा उस समय का। रूम है पहले यहाँ पे रहा करते थे राजा महाराजा। ऊपर बंदर भी थे इसीलिए हम ऊपर जा नहीं पाए और वो घुड़की भी दे रहे थे। रूम अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं ईंट फीट लगाकर ताले लगा दिए हैं कि कोई भीतर ना घुसे। देखिए बहुत ही जानदार शानदार महल बने हैं यहाँ पे। ये पहले प्रेस में वो थे। बड़ा तो बहुत है ये अगली तरफ को भी है ये ऊपर शायद देखते हैं कहीं बंदर तो नहीं है। देखिए यहाँ पे भी हैं ये पर उधर की साइड मंकी बैठे हैं इसीलिए हम जा नहीं पाएंगे। उधर की तरफ कुछ ज़्यादा ही हैं इसीलिए हमें लौट के जाना पड़ेगा। इधर क्यों इधर से ये हमला भी तो बहुत जल्दी करते हैं। बोल दिया था हमला मारे यहाँ पर पे झूठ छक्कड़ भी बहुत झाड़ियाँ बहुत हैं। क्या क्लियरिटी के हिसाब से बनाया है ये पहले। बस यही पता नहीं इनकी कारीगरी क्या हिसाब की थी क्या डिजाइन बनाते थे। आज की मशीनों पे ऐसी डिजाइन नहीं बनेगी। देखिए इधर की साइड आपको दिखाते हैं उधर की साइड भी बहुत बड़ी हवेली है ये। शायद इसमें कुछ बड़ा ही राजा फजर बहुत ही शानदार हिसाब से बनाया गया महल है। और पत्थर भी देखिए बहुत बारीक पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं हमें खतरा तो बहुत है यहाँ पे। डर भी लग रहा है कहीं किधर से कोई जानवर या कोई कुछ हमला ना कर दे। देखिए देखिए इधर की साइड में और ये है सबसे बड़ा वो यहाँ का सबसे बड़ा वो है ये। यहाँ पे सब रहा करते होंगे और वहाँ शायद किसी का नाम भी पड़ रहा है। आपको जूम करके दिखाता हूँ विवेक बघेल यहाँ शायद बघेलों की बस्ती है ये। इधर की साइड भी बहुत कुछ है। हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए पर उधर की तरफ शायद कुछ मिल सकता है जानवर मिल जाए कोई। इधर को हम आगे की तरफ बढ़ तो रहे हैं पर पता चले आगे होता क्या है। डर तो हमें भी लगता है पर क्या करें आपको भी तो हकीकत दिखानी है। क्या हकीकत रही है पिछले ज़माने की। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो फर्ज बनता है। ये ऊपर की तरफ लाइक करें सब्सक्राइब करें ये देखिए। और अब तो मौसम भी उसका है ना बारिश का तो देखिए ऐसी ऐसी जगह आना पड़ रहा है आपके लिए। चलो भाई ऊपर चढ़ रहा किधर से देखिए भाई तुम्हारे लिए हर तरफ जाएंगे। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं आगे जाएंगे। ये दो भाई मेरे साथ हैं ये इसी गांव के हैं शायद मुझे तो यहाँ मिल गए थे ये। फिर उन्होंने मुझे दूसरी हवेली भी दिखाई और ये भी दिखाई।
अगली जो वीडियो दिखाई थी वो जोधपुर के किले की थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बंदर भी बैठे हैं, इसीलिए कुछ डर तो लगता है क्योंकि बंदर देवता अगर बुरा मान गए तो हमको भी बिगाड़ देंगे ये। और ये कुछ फौजी भाई आपको करना दिखा रहे हैं, चलते चलते हार तो गए हैं पर करें क्या, बहुत ही बड़ा महल है ये। इधर की साइड देखिए, जो देखने का पार्ट है वो है ये, ये पार्ट है वो देखने वाला, दिखा देते हैं। ये देखिए क्या हिसाब से, शायद इसकी छत फट टूट गई है शायद, ये कमरों का नक्शा है। देखिए क्या वाह, क्या जानदार हिसाब से महल तैयार किया गया है ये। ए भाई उधर मत जा, उधर मत जा भाई। ये देखिए आपको हर एक नक्शा दिखाएंगे महल का, जैसे जैसे महल बनाया गया है बहुत ही जानदार तरीके से। हट भाई, और भाई जो आपको वो कढ़ाई चमक रही है ना, उसमें पहले बैलों के लिए दूध बनता करते थे गरम, जो बैल नहीं वो घोड़े थे इनके, इन घोड़ों को रखा जाता था और इनके लिए खाने पीने के लिए बनाया, जो कुछ भी बनाया जाता था जो प्रोटीन, जो ये घोड़े दम कर सकें, वो अपने हिसाब से युद्धों में ताकत दिखा सकें, इसीलिए ये वो बनाया गया है।